नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सेवलिया और स्वागत है आपका एस्क इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा रैली के बारे में, तो देखते रहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको बहुत कुछ समझने वाले हो। जीरो से लेकर आपको मैं समझाऊँगा रिले क्या है और रिले कैसे काम करती है, ठीक है दोस्तों। दो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले, जो नए हैं मेरे वीडियो चैनल पे, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ रिले रिले की बात करें तो हम ये मान के चलिए रिले जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, ठीक है दोस्तों। जो ये डिवाइस है जो स्विच का काम करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मतलब कि बोलते हम स्विचिंग का सिस्टम, इसमें स्विचिंग का सिस्टम होता है, स्विच का ये जो काम करता है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ रिले, हमने एसी रिले भी होती है, डीसी भी होती है। मतलब कि रिले हमारे एसी में भी काम कर सकती है, डीसी में भी काम कर सकती है। और फ़र्क इतना सा है कि बस हमारी जो रिले की जो कोयल होती है, जो रिले हम ऑपरेट करते हैं, वो कोयल कौन सी है दोस्तों, वो हमारी एसी की कोयल है या 220 वोल्टेज की है या 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है या 6 वोल्ट की है, जैसी भी हो हम उसे ऑपरेट करेंगे। सिर्फ कोयल जैसी भी होगी हम उसके हिसाब से उस कोयल को ऑपरेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो इसके जो तीन कॉन्टैक्ट होते हैं वो पता दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो तीन कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों। एक तो जो इसका एनो कॉन्टैक्ट है, सॉरी एनो नहीं है, एन सी है इसका एनो कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। इसका एन सी कॉन्टैक्ट है, ये इसका एनो कॉन्टैक्ट है। एन सी का मतलब हो गया दोस्तों नॉर्मली क्लोज। ये क्या है, ये जो अपने जो क्लोज है, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये अपना कॉमन कॉन्टैक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है इसमें रिले के अंदर। और ये हमारी ये है कोयल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारी कोयल है, जब हम इस कोयल में सप्लाई देंगे तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, जो हमारा कॉमन हम इसमें दे रखे हैं, ये जो हमारा ये कॉन्टैक्ट है, तो क्या होगा जब इसमें हम इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम इस कोयल में सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेट बनेगी दोस्तों। जब ये मैग्नेट बनेगी तो क्या होगा कि ये जो इसमें मैग्नेट बनेगी तो ये क्या है कि अपनी नीचे की तरफ खींचेगा इसको। जो ये कॉमन पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे टच हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये पहले एन सी था, ठीक है दोस्तों, ये एनओ हो जाएगा और ये आते ही ये क्या हो गया, ये एन सी हो जाएगा दोस्तों। अब इस डायग्राम के साथ समझिए, आप बताता हूँ। ये तो ये बैटरी है, ठीक है दोस्तों, ये बैटरी है जो कि हमने सप्लाई दे रखी है, प्लस और माइनस, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, इस कॉमन में जो हमने एक प्लस जोड़ रखा है बैटरी का, ठीक है दोस्तों। और ये इसका जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, जो कॉमन का कॉन्टैक्ट है, वो क्या है कि एन सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी ये नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई भी सप्लाई अभी इसमें है नहीं, अपने मान के चलो ये जो हमारी जो रिले की जो कोयल है इसमें कोई सप्लाई है नहीं अभी। जैसे ही हमारी मतलब कि ये कॉमन का जो पॉइंट है ना, ये अभी क्या है, अभी मतलब कोई भी सप्लाई इसमें है नहीं, तो क्या है कि ये हमारा एन सी पॉइंट, ये हमारी जो ऊपर का जो कॉन्टैक्ट है इस पर चिपका हुआ है। मतलब कि ये स्प्रिंग लगी होती है, जब हमारी ये नॉर्मल अवस्था में रहेगी, मतलब कि हमारी इसमें कोई सप्लाई नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि ये इसको ऊपर खींच के रखता है तो इस पर ये टच करके रहता है, ठीक है दोस्तों। एन सी पॉइंट, जब भी इसमें सप्लाई आती है तो ये डायरेक्ट इसमें जाके बल्ब हमारा जल रहा है, और जो माइनस का हमने डायरेक्ट दे रखा है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ अपना इसका एन सी का, नॉर्मली क्लोज है। और जैसे मान के चलो हमने इसमें सप्लाई दे देते हैं, और इसमें जैसे सप्लाई हम देंगे, ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसको इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होता है कि जो हमारा ये कॉन्टैक्ट है, ये जब इसमें सप्लाई आएगी, इसमें मैग्नेट बनेगा, जब मैग्नेट बनेगा तो इसको ये नीचे की तरफ खींच लेगा दोस्तों, नीचे की तरफ खींच लेगा और ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर टच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, ये अपना ये कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, ये अपना एन सी था जो एन हो गया, तो दोस्तों इसी सप्लाई इधर जाएगी नहीं तो ये बल्ब हमारा जलेगा नहीं, ठीक है। तो और जैसे ही हमारी इसमें सप्लाई आती है तो हमारा ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये हमारे इसमें आगे चिपक जाता है। जैसे इस पर आएगा तो
तो क्या होगा, सप्लाई इधर से इधर बहने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो हमारा ये बल्ब है ना, ये ऑन हो जाएगा। तो ये नॉर्मली ओपन था, अब ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ इसका जो कॉन्टैक्ट का सिस्टम दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रिले होती है, ये भी मतलब कि अपने ये भी 5 पिन की होती है, 8 पिन की भी होती है, 11 पिन की भी होती है, ये 14 पिन की, 14 पिन की भी होती है दोस्तों। ठीक हो, ठीक है दोस्तों। और मैंने इस पर एक, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा डायग्राम के हिसाब से कि जो हमारी जो रिले होती है दोस्तों, ठीक है, जो हमारी जो रिले होती है वो मैं अभी मैंने पिछली बार भी मैंने एक वीडियो डाला था उसका प्रैक्टिकल करके मैंने बताया है वीडियो को। और अभी मैं दोबारा एक और वीडियो डाल रहा हूँ प्रैक्टिकल करके, आपको उसमें समझ में आएगा NCNO, ठीक है, रिले का जो बेस होता है वो, ठीक है दोस्तों, और रिले को हम कैसे होल्ड करते हैं, इसकी लेचिंग सिस्टम क्या होती है दोस्तों, ये सब आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये जो रिले है वो क्या होती है और कैसे काम करती है दोस्तों। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कृपया मेरे ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या समझ में नहीं आया दोस्तों। तो मुझे मैं चाहूँगा कि आपको वो सब क्लियर कराऊँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारी ये 24 वोल्ट की है जो ये है रिले, ठीक है दोस्तों, अगर 24 वोल्ट की जो रिले है ये दोस्तों, तो इसमें ये नहीं है कि हम जो ये कॉन्टेक्ट है इसमें 24 वोल्ट सप्लाई का यूज़ करें, हम इसमें 220 वोल्टेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी कोयल होती है ना, ये कोयल सिर्फ हमारे ये जो 24 वोल्ट की जितने भी जैसे मान लो जितने के भी हमें कोयल है, एसी में है या डीसी में है या 220 की है या 24 की है, 6 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है, जो भी होती है, क्या होता है कि जैसे हम इसको लगा देते हैं ना, जब इसमें सप्लाई देते हैं, जो सप्लाई इसका मतलब, इस रिले का मतलब यही है कि इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचती है, समझ रहे होगी कि इस तरफ को ये अपने को चिपका लेती है अपनी तरफ की, जैसे भी मैग्नेट बनता है तो अपनी तरफ खींचती है। तो इसमें हम अगर हम इसमें यहाँ से इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई भी देना दोस्तों, ठीक है, तो हमारी 220 ही निकलेगी इसमें से। ऐसा नहीं है कि हमारा इसमें से उसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि हमारी जो ये रिले है ना, इसको ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है, उसको इस कॉन्टैक्ट पे चिपकाने के लिए और इस कॉन्टैक्ट पे चिपकाने के लिए काम करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें हम रिले कोई सी भी हो, हम उसमें सप्लाई हमें कोई सी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। बस शर्त इतनी सी है कि हमें जो हमारी जो कोयल होती है उसमें दे रखा होता है कि हमारे 220 वोल्टेज की कोयल है या 24 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है या 6 वोल्ट की है, बस हमें जो कोयल पे जो सप्लाई दे रखी है उसी सप्लाई को हमें देना है, कोयल पे देना है, मतलब कि 12 वोल्ट के तो 12 वोल्ट की सप्लाई ही हमें देना है कोयल पे, या 220 वोल्टेज की अगर सप्लाई हो तो 220 वोल्ट ही देना अपने को। ठीक है दोस्तों, बस इसका यही काम है रिले का, जो अपने जो कोयल होती है इसका इतना सा काम है, ये कॉन्टैक्ट को मूवेबल करवाती है, यानी आगे पीछे करवाती है, जो ये जो अपना कॉमन जो पॉइंट होता है दोस्तों, इसको आगे पीछे करवाती है, जिससे कि हमें NCO को NO जाए, जो NO होता है उस वो NCO हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।